नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की विवेचना करना। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट में श्रम बाजार में संतुलन स्थापित होता है, सामान्य मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी में क्या अंतर होता है तथा इसका क्या इम्पोर्टेंस रोल है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पर वर्क करते हैं। हम जानते हैं कि क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ये कहती है कि जब अर्थव्यवस्था में श्रम बाजार तथा पूंजी बाजार दोनों होते हैं, पूंजी बाजार के विषय में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज हमारा कार्य है श्रम बाजार के विषय में, संतुलन के विषय में जानकारी प्राप्त करना। तो इसके अंतर्गत ये हम देखते हैं कि श्रम बाजार में संतुलन वहां पर होता है जहां पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होती है। तो इस प्रकार श्रम बाजार में संतुलन वहां पर होगा जहां पर श्रम की पूर्ति तथा श्रम का मांग दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो आइए हम अर्थात डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर जहां पर होगा वहां पर हम कहेंगे कि श्रम बाजार संतुलन में है। तो हम श्रम बाजार में संतुलन को स्थापित करने से पूर्व ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन फलन है, यहाँ पर क्यू जो है वो उत्पादन फलन है, उत्पादन फलन है, वो किसका फलन है? श्रम का। वो किसका फलन है? पूंजी का। वो किसका फलन है? नेचुरल रिसोर्स का। वो किसका फलन है? टेक्नोलॉजी का। अर्थात किसी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है वो डिपेंड करता है श्रम पर, पूंजी पर, उत्पादन वो क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन पर और टेक्नोलॉजी पर। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए इन सारे उत्पादन के चरों की आवश्यकता पड़ती है या उत्पादन के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हम बेसिकली ये लेकर के चल रहे हैं कि उत्पादन जो होता है, क्यों उत्पादन जो है ये बेसिकली फलन है श्रम का। अर्थात उत्पादन बढ़ाने के लिए जैसे जैसे हम लोग श्रम बढ़ाते चले जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन श्रम बढ़ने के साथ ही साथ श्रम से प्राप्त होने वाली मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन लगातार डिक्लाइन होता जाता है, लगातार डिक्लाइन होता जाता है। अर्थात जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप उससे प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पादन लगातार कम होता चला जाता है, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कॉन्टिन्यू डिक्लाइन होता चला जाएगा। अर्थात श्रम की सीमांत उत्पादकता, सीमांत भौतिक उत्पादकता लगातार कम होती जाती है, लगातार कम होती जाती है। अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र ऋणात्मक ढाल का पाया जाता है। ये तो एक बात यहां से कन्फर्म हो जाएगी कि सीमांत भौतिक उत्पादकता वक्र ऋणात्मक ढाल का पाया जाता है। अर्थात जैसे जैसे श्रमिक की मात्रा बढ़ाते जाएंगे उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सीमांत फिजिकल प्रोडक्शन, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन कंटिन्यू डिक्लाइन होता चला जाएगा। अतः अगर हम इसके द्वारा, श्रमिकों के द्वारा प्राप्त सीमांत भौतिक उत्पादन, अर्थात जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उनसे उत्पादित वस्तुओं को यदि बाजार मूल्य पर गुणा कर, ये उस मान लीजिए कोई X वस्तु का उत्पादन कराया जाता है और उस X वस्तु को बाजार मूल्य, उसका जो बाजार मूल्य है यानी इसके बाजार मूल्य से यदि हम गुणा करते,
यानी क्यों श्रमिक द्वारा उत्पादन किया जाता है, उसको MPPL को यदि बाजार प्राइस या मार्केट प्राइस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मौद्रिक मजदूरी ज्ञात हो जाएगी। ये हमारे पास है मौद्रिक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी, ये हमारे पास मौद्रिक मजदूरी है। तो इस प्रकार मौद्रिक मजदूरी हमें ज्ञात हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं, अगर हम इस पी को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम ये देखेंगे एम पी पी एल इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी एक्स, अर्थात हमें ये एक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है जिसमें यदि हम मजदूरी को, ये हमारे परे पास मजदूरी है, यदि हम मजदूरी को मूल्य से विभाजित कर देते हैं तो हमें वास्तव में वास्तविक मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। वास्तविक मजदूरी प्राप्त हो जाएगी। और MPPL एक प्रकार से डिमांड ऑफ लेबर होता है, अर्थात डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ W अपॉन PX। तो रिजल्ट्स हमारे क्या निकले कि वास्तव में श्रम की जो मांग होती है इट विल बी डिपेंड अपॉन रियल वेज, अर्थात श्रम की मांग ये जो निर्धारित होती है ये वास्तविक मजदूरी के द्वारा निर्धारित होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्रमिक की मांग DL इज द फंक्शन ऑफ W अपॉन PX। जो श्रम की मांग है वो वास्तव में रियल मजदूरी का फलन है। अगर अर्थव्यवस्था में रियल वेज बढ़ेगी, रियल वेज का तात्पर्य होता है मौद्रिक मजदूरी के अलावा अन्य जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में मजदूरी जो मौद्रिक मजदूरी होती है, मौद्रिक मजदूरी के अंतर्गत केवल मुद्रा के रूप में किया गया भुगतान रहता। मान लीजिए कोई श्रमिक को हमने 100 रुपए पर डे दे दिया, दिस इज कॉल्ड मौद्रिक मजदूरी। ये आपकी क्या हो जाएगी, मौद्रिक मजदूरी होगी। तो मौद्रिक मजदूरी केवल मुद्रा के रूप में होती है, लेकिन वास्तविक मजदूरी जो होती है, वास्तविक मजदूरी जो होती है वो वास्तव में मुद्रा के रूप में प्राप्त की गई मजदूरी प्लस जो हम उसको एडिशनल सुविधाएं या अन्य सुविधाएं देते हैं। जैसे हम मान लीजिए उसको रहने के लिए घर दे दें, हम उसको कैंटीन की सुविधा दे दें। थर्ड, हम उसको एक काम करते हैं, हम उसको परिवहन की सुविधा दे दें, हम उसको उसके बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड कर दें फ्री में, फिफ्थ है उसके लिए स्वास्थ्य प्रोवाइड कर दें फ्री में। अगर हम मौद्रिक मजदूरी के साथ ये सुविधाएं देते हैं तो हम क्या कहेंगे, इन वेरिएबल्स को, ये वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, ये वास्तविक मजदूरी है। तो वास्तविक मजदूरी के अंतर्गत मौद्रिक मजदूरी प्लस अदर सर्विसेस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहेंगे कि इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके? तो इस प्रकार श्रमिक की मांग जो होती है वो वास्तविक मजदूरी का फलन होती है, ना कि मौद्रिक मजदूरी का फलन। मौद्रिक मजदूरी पर निर्भर नहीं करती श्रम की मांग। यदि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी का मान बढ़ जाता है, मौद्रिक मजदूरी अधिक हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की मांग कम हो जाएगी। अगर श्रमिक ज्यादा मौद्रिक मजदूरी मांगते हैं, नहीं हमें ये भी दो, ये सारी चीजें दो, स्वास्थ्य भी दो, शिक्षा भी दो, रहने को भी दो, परिवहन भी दो, तो श्रम की मांग कम हो जाएगी, अर्थात उत्पादक कम श्रमिकों को लगाना पसंद करेगा। लेकिन यदि वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है तो वास्तविक मजदूरी कम होने से श्रम की मांग बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यहां पर हमने एक डिफिनीशन यहां पर हमको मिल जाए कि श्रम की मांग यानी डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज। ये रियल वेज का फलन है।
ये आपको बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना होगा। क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहती है कि श्रम का मांग वास्तविक मजदूरी का फलन है, ना कि मौद्रिक मजदूरी का। आइए हम रेखाचित्र के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यह श्रम का मांग रेखा है, जिसे हम DLDL के रूप में दिखा सकते हैं, दैट इज निगेटिव स्लोप। ये देखिए निगेटिव स्लोप की है। आधार अक्ष पर हमने इस डिमांड ऑफ लेबर को लिया है, श्रम की मांग को लिया है, और लंब अक्ष पर हमने रियल वेज को लिया है, रियल वेज को लिया है। ओके, अब देखिए, मान लीजिए हम ए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हैं। इस पॉइंट पर आप देखिए कि रियल वेज जब डब्ल्यू अपॉन पी वन होती है तो श्रम की मांग कितनी होती है, ओ एल वन होती है। श्रम की मांग कुछ ये होती है। ओके, अर्थात हमारे पास जब वास्तविक मजदूरी इतनी है तो हमारे पास श्रम की मांग ये है, अर्थात ए पॉइंट पर ओ डब्ल्यू अपॉन पी वन रियल वेज पर हमारे पास श्रम की जो डिमांड है वो ओ एल वन है। क्लियर है, हम ए पॉइंट पर रहते हैं। वहीं जब रियल वेज श्रमिक ज्यादा मांगते हैं तो रियल वेज ज्यादा मांगने के परिणाम स्वरूप देखिए हम कहां पर आ जाते हैं, बी पॉइंट पर। और यहां पर देख सकते हैं कि श्रम की मांग उत्पादकों द्वारा कम हो जाती है और केवल ओ एल टू श्रमिक ही मांगने लगता है। यानी यहां पर रियल वेज डब्ल्यू अपॉन पी अधिक होने के कारण श्रम की मांग जो ओ एल टू हो गई है पहले से कम हो गई है, दस वी आर एट बी पॉइंट। तो इस प्रकार श्रम का जो मांग वक्र होता है दैट इज दैट हैव द निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप का होता है। एंड डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज, और रियल वेज तथा डिमांड ऑफ लेबर के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। जब रियल वेज बढ़ती है तो डिमांड ऑफ लेबर डिक्लाइन कर जाता है, और जब रियल वेज डिक्लाइन करती है तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाता है। क्लियर है, इस प्रकार हम डिमांड ऑफ लेबर को डिटरमाइन कर देते हैं। अब हमारे पास आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति क्या होता है, मान लीजिए हम श्रमिक हैं और हमारी आदत है हम वहां पर काम करेंगे, पूर्ति का मतलब जहां पर हम काम करना चाहें। तो पूर्ति, श्रम की पूर्ति श्रमिक करता है, ठीक है, और श्रम की मांग प्रोड्यूसर करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्रम की जो पूर्ति होती है इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ रियल वेज, रियल वेज का ये फलन है। अगर अर्थव्यवस्था में रियल वेज ज्यादा होगी तो वहां पर श्रम की पूर्ति भी ज्यादा होगी, और अगर रियल वेज कम होगी तो श्रम की पूर्ति भी कम होगी। अर्थात अर्थव्यवस्था में श्रम की जो पूर्ति होती है इट विल बी डिपेंड अपॉन रियल वेज, ये रियल वेज पर निर्भर करती है। आप ही मान लो एक कंपनी है आपको 1000 रुपीज पर मंथ देती है। आप एक कोई कंपनी है, इस ये कंपनी में क्या आप काम करना पसंद करोगे, या एक बी कंपनी है, एक कोई बी कंपनी है वो देती है आपको 700 रुपीज पर मंथ देती है। बट ये मोनेटरी वेज, ये जो मुद्रा, इसके अलावा ये आपको आवास दे देती है, ये आपको हेल्थ के लिए हॉस्पिटल दे देती है, ये आपके बच्चों के लिए शिक्षा के लिए फीस दे देती है, ये आपके मनोरंजन के लिए पार्क दे देती है, और आपको घूमने के लिए परिवहन दे देती है। तो यहां पर देखिए मौद्रिक मजदूरी का मान कम है, और यहां पर एक कंपनी में मौद्रिक मजदूरी का मान अधिक है, फिर भी लोग एक कंपनी पर वर्क ना करके बी कंपनी पर वर्क करना पसंद करेंगे।
क्यों? क्योंकि यहां पर रियल वेज ज्यादा है, यहां पर रियल वेज ज्यादा है, जबकि यहां पर रियल वेज कम है। क्लियर है? तो इस प्रकार सप्लाई ऑफ लेबर एक श्रमिक, सप्लाई ऑफ लेबर कौन करता है? श्रमिक करता है। डिमांड ऑफ लेबर कौन करता है? डिमांड ऑफ लेबर वास्तव में प्रत्यक्ष ना होकर के अप्रत्यक्ष होती है। जो डिमांड ऑफ लेबर होती है वो इनडायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में उत्पादन फलन पर निर्भर करती है। अगर अर्थव्यवस्था में ज्यादा आवश्यकता है उत्पादन की, तो उसके द्वारा श्रम की मांग होती है, इसीलिए इसे ड्राइव्ड डिमांड भी कहते हैं। ड्राइव्ड डिमांड अर्थात व्युत्पन्न मांग, व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप याद रखना कि क्लासिकल इंप्लॉयमेंट थ्योरी में श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा गया, अर्थात उत्पादन की मांग बढ़ेगी तो श्रम की मांग भी बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सप्लाई ऑफ लेबर इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ रियल वेज, और अर्थव्यवस्था में यदि रियल वेज बढ़ेगी तो श्रम की पूर्ति बढ़ेगी, लोग श्रमिक ज्यादा काम करना पसंद करेंगे, और रियल वेज यदि कम होगी तो श्रम की मांग पूर्ति भी घटेगी, लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो इस प्रकार ये श्रम की पूर्ति है। अब हमें यहाँ पर देखिए ये रेखा चित्र है, हमने ये ओ पॉइंट है, ये हमारे पास एक्स पॉइंट है, ये एक्स आधार अक्ष है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ हमने लेबर को ले लिया है, ये सप्लाई ऑफ लेबर है, और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने ले लिया है रियल वेज, रियल वेज। क्लियर है? हमने रियल वेज ले लिया। ये आपकी सप्लाई ऑफ लेबर लाइन है SL, जो कि पॉजिटिव स्लोप की है। ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में यदि रियल वेज W अपॉन P1 इतना है, ओप इतना, तो अर्थव्यवस्था में श्रमिक की पूर्ति OL1 होगी। क्लियर है? यानी अर्थव्यवस्था में OL1 श्रमिक की पूर्ति होगी। अगर हमारे पास रियल वेज कितना है, रियल वेज हमारे पास इतना है, अर्थात तो हम ए पॉइंट ए पर रहेंगे। यानी ए पॉइंट बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में OW अपॉन P रियल वेज है तो हमारे पास श्रम की पूर्ति OL1 होगी। जब अर्थव्यवस्था में रियल वेज बढ़ेगी, देखिए रियल वेज बढ़ गई, तो रियल वेज बढ़ करके W अपॉन P2 हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। देखिए श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है 10 भी कम एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पर हम आ जाते हैं, यहां पर देखिए तो रिजल्ट क्या निकला कि जब अर्थव्यवस्था में रियल वेज बढ़ेगी तो उससे सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ेगा। ओके, तो ये इस प्रकार हम देखते हैं सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ता चला जाएगा। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। हमने कहा क्या, इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हो जाएगा, और वहीं पर रियल वेज निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जहां पर डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हो जाएंगे, वहीं पर वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण हो जाता है। यहां पर हमने आधार अक्ष पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को लिया है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को लिया गया है। क्लियर है? यहां पर हमने लंब अक्ष पर रियल वेज को लिया है, रियल वेज को लिया गया है। ये देखिए डिमांड ऑफ, ये जो आपकी रेखा है ये डिमांड ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करती है, और ये सप्लाई ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करती है, SL है और DL है। बोथ आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम एट ई पॉइंट। यहाँ ई पॉइंट पर आप देख सकते हो कि ई बिंदु पर डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर है। क्लियर है? जब यहाँ से लंब डाल देते हैं तो ये हमें संतुलन लेबर मिल जाता है, या संतुलित रोजगार की मात्रा OL है, और अर्थव्यवस्था में संतुलित जो है रियल वेज वो कितना है, वो है W अपॉन P। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर OL श्रमिक कार्य करते हैं तथा रियल वेज OWP अप है, ये संतुलित वास्तविक मजदूरी। अब हम ऊपर एक रेखा चित्र है, यहां पर हमने नेशनल इनकम को ले लिया है, ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ द लेबर्स को ले लिया है, इंप्लॉयमेंट जिसको आप कह सकते हो,
ओ एक्स पर यानी हमने इम्प्लॉयमेंट को ले लिया, वाई पर हमने नेशनल इनकम को ले लिया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में लेबर बढ़ते हैं हम देखिए कि टोटल प्रोडक्शन भी कॉन्टिन्यू इंप्रूव होता चला जाता है। जब हमने ओएल श्रमिक इस लाइन को हमने ऊपर बढ़ा दिया, जब ओएल श्रमिकों को हमने लगाया तो ओएल श्रमिकों को लगाने के परिणाम स्वरूप देखिए टोटल प्रोडक्शन लाइन को यहां पर कट कर रहे हैं ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे कट कर रहे हैं। दस वी कैन सी दैट नेशनल इनकम विल बी ओ वाई वन, ये संतुलित राष्ट्रीय आय होगी और ये अर्थव्यवस्था में संतुलित रोजगार का स्तर होगा। क्लियर है? यानी आपको संतुलित नेशनल इनकम मिल गई और संतुलित राष्ट्रीय आय मिल गई, संतुलित नेशनल इनकम मिल गई और संतुलित इंप्लॉयमेंट लेवल मिल गया। तो अर्थव्यवस्था में इंप्लॉयमेंट क्या होगा? इंप्लॉयमेंट विल बी ओएल होगा और अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम कितनी होगी? नेशनल इनकम विल बी कितनी होगी? ओ वाई वन होगी। तो अर्थव्यवस्था में देखिए रोजगार और राष्ट्रीय आय का निर्धारण क्लासिकल मॉडल के अनुसार हो जाता है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में किसी कारण से अर्थव्यवस्था में डब्ल्यू अपॉन पी रियल वेज था और किसी कारण से रियल वेज बढ़ जाती है अर्थव्यवस्था में किसी कारण से, तो अर्थव्यवस्था में हम देख सकते हैं ये आपका सप्लाई ऑफ लेबर है, ये आपका डिमांड ऑफ लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर निगेटिव स्लोप का, सप्लाई ऑफ लेबर पॉजिटिव स्लोप का है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मान लीजिए कोई ऐसा कारण आता है कि अर्थव्यवस्था में सप्लाई ऑफ लेबर की पूर्ति ज्यादा हो जाए या डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाए, यानी एस एल इज ग्रेटर देन डी एल हो जाए, तो उसके परिणाम स्वरूप रियल वेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो देखिए यहाँ पर रियल वेज क्यों बढ़ जाता है इसका हमने कारण स्पष्ट किया, अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति बढ़ जाए तथा श्रम की मांग कम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? जब रियल वेज बढ़ेगा, तो जब रियल वेज बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था नीचे की ओर संतुलित, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादक जो होगा वो कम श्रम की पूर्ति करना चाहेगा क्योंकि सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा हो गया, क्योंकि रियल वेज ज्यादा देना, और हम लोग पुनः ई पॉइंट की तरफ इक्विलिब्रियम की तरफ आना प्रारंभ। अगर दूसरी कंडीशन हो सकती है अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा हो जाए जो यहाँ पर ए पॉइंट पर है और सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाए जो कि बी पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सप्लाई डिमांड ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर है, तो इस केस में रियल वेज जो होगी डब्ल्यू अपॉन पी होगी वो डिक्लाइन करके डब्ल्यू अपॉन पी वन हो जाती है, तो रियल वेज डिक्लाइन कर जाएगी। रियल वेज डिक्लाइन करने के परिणाम स्वरूप सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी और डिमांड ऑफ लेबर भी ऊपर की ओर, दोनों पॉइंट खिसेंगे अर्थात डिमांड ऑफ लेबर कम होंगे, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ते जाएंगे जब तक कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर नहीं आ जाते। इस प्रकार क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में रियल वेज इकोनॉमी में संतुलन लाती है, ठीक है? और रियल वेज की ही महती भूमिका होती है, यही मार्केट मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा कि रियल वेज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल, जो रियल वेज है यही अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, टू डिटरमाइन द इम्प्लॉयमेंट लेवल, चाहे वो इम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिनेशन की बात कर लो चाहे नेशनल इनकम डिटरमिनेशन की बात कर लो, रियल वेज प्लेइंग एक्टिवली या एक्टिव रोल और मार्केट मैकेनिज्म को टच नहीं करना चाहिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि मार्केट मैकेनिज्म को कोई भी बॉडी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, रियल वेज ऑटोमेटिक मार्केट मैकेनिज्म को मेंटेन किए रहेगी और अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन कर देगी। तो ये था हमारे पास क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम का डिटरमिनेशन होता है, इनकम डिटरमाइन होती है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप हमसे अवश्य पूछिएगा और हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर्स में।